सर, रिसेंटली आपका एक स्वीडिश कंपनी के साथ एक टाई अप हुआ है जिसमें आप एक स्पेशल ग्रेड का पेपर सप्लाई करेंगे दैट विल यूज इन द पेपर बैग मेकिंग. व्हाट आर स्पेशलिटी ऑफ दैट बैग दैट पेपर व्हिच अट्रैक्ट अ स्वीडिश कंपनी टू डील विद यश पेपर? हम लोग कई प्रकार के कागज़ बनाते हैं जिसमें कि जो फोकस है वो है फूड सेगमेंट. और फूड सेगमेंट में हम लोग तीन ब्रॉड डोमेन्स में काम करते हैं. एक है पेपर बैग्स फॉर डिफरेंट ग्रोसरीज एंड प्रोडक्ट्स, सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड थर्ड इज़ मोल्डेड प्रोडक्ट्स. तो जो आप बात कर रहे हैं वो स्वीडिश रिसर्च कंपनी है जो हम लोगों के साथ काम करती है. और उसमें हम लोगों का कार्य ये है कि वी हैव ट्राइड टू वर्क विथ वेरी वीक फाइबर. हम लोग शुगर केन बेस्ड बगास यूज़ करते हैं और उससे एक ताकतवर कागज़ बनाते हैं. तो उसका हम लोगों ने इजाद किया है वो स्वीडिश रिसर्च कंपनी के साथ. एंड ये जो पेपर है ये बहुत लाइट वेट है, 40 GSM, और हाँ, इट इज़ वेरी हाई स्ट्रेंथ, ओवर 35 BF. इट इज़ ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट, ग्रीस रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंट, एंड इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वेट. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड विद देम. अलॉन्ग विद दैट हम लोग जैसे और जो रिसर्च कर रहे हैं दैट इज़ इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग. तो ये जैसे नूडल्स का पैक है, तो हम लोग की होप ये है कि नूडल्स, राइस, पास्ता, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफ़ी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. तो हाउ डू वी रिड्यूस दैट? तो इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल कोटिंग्स अरेंज की हैं एंड स्पेशल पेपर बना के उस पर कोटिंग करके वी क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट विच इज़ होपफुली गोइंग टू गो इनटू द नूडल्स. दिस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपोस्टेबल वी शेड, कैन वी यूज इन द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन? नहीं, दिस इज मेनली फॉर फूड पैकेजिंग. तो इट इज़ ऑल कोल्ड शेल्फ, गुड शेल्फ लाइफ एंड कोल्ड दिस. तो अलग अलग यूसेजेस हैं. सो इफ यू लुक एट आर मोल्डेड प्रोडक्ट्स दे कैन बी यूज फॉर हॉट, कोल्ड, व्हाटएवर यू वांट, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर हॉट. वी हैवंट ट्राइड इट विद हॉट. व्हाट मार्केट ग्रोथ यू आर लुकिंग फॉर इन दिस कैटेगरी सर? इट्स डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि कोई भी चीज़ लॉन्च करो तो हम लोग ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर लॉन्च करते हैं, परंतु इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज मार्केट इज़ यूजुअली वेरी प्राइस सेंसिटिव. आर प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी, इट्स नॉट द सेम प्राइस एज अ प्लास्टिक इवन दो वी ट्राई हार्ड. तो अल्टीमेटली जो ब्रांड्स थोड़े से कॉन्शियस होते हैं अबाउट द प्लानट, अबाउट द अर्थ, अबाउट आर फ्यूचर जनरेशन्स, वो थोड़ा सा पहल करते हैं इसमें. सो देर आर सम कंपनीज वी आर वर्किंग विद एंड होपफुली दे विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट. तो अभी ऐसा कोई हम लोग का टारगेट नहीं है. इट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल वी कैन मार्केट इट. यश पेपर इज अ रेनॉर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ क्राफ्ट पेपर, बट इन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट दे हैव डिस्क्लोज दैट दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेगमेंट इन नेक्स्ट 5 years. What market opportunity that you do you see in the coming years, sir? Force you to shift to the packaging segment, sir. तो सबसे पहला है तो नाम हम लोग का बदल गया है, इट्स कॉल्ड यश पैका. तो यश पैका का मतलब है पैकेजिंग विद अ सोल. तो का जो होता है वो इजिप्शियन भाषा में आत्मा का. इट्स द नेम ऑफ योर ब्रांड? इट्स द नेम ऑफ आवर कंपनी नाउ, इट्स कॉल्ड यश पैका लिमिटेड. तो यश पेपर से यश पैका हो गया है. तो वी हैव बीन इन पैकेजिंग, वी हैव ऑलरेडी बीन इन बैग प्रोडक्ट्स. अब वो आम भाषा में हम लोग क्राफ्ट पेपर बोलते हैं, परंतु फंडामेंटली हमारा 60-70% बैग्स में था ऑलरेडी फोकस. तो दी ओनली शिफ्ट दैट हैज हैपेंड इज दैट हम लोग का पूरा फोकस उस दिशा में हो गया है कि हम लोग बैग्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की तरफ काम करेंगे. तो इसमें फंडामेंटल जो उद्देश्य है और जो रुझान है इस तरफ इज बिकॉज वी वॉन्ट टू लीव द प्लैनेट क्लीनर. तो एज अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग वी एनी वेज यूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट एटलीस्ट द एंड प्रोडक्ट जो हम बनाएं वो ऐसा बनाएं जो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए फ़ायदेमंद. सो दैट्स द फंडामेंटल आइडिया एंड वी होप दैट मार्केट विल एक्सेप्ट दैट एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. व्हाट विल द इनिशियल ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ दिस पेपर बैग्स?
We are happy with any quantity. We will start with 5 tons also. So anything that is there, we are not, we are looking for trials right now. So bags, we are already there. So bags is just a new product announcement. In flexible packaging, it is small orders, which is better for us. Taki hum log jo bhi galtiyan karni hai, wo chote scale mein kar lein. The investment aaj ke din mein, toh it is only the IP, as in jo hum logon ne 8 saal ki research ki hai isme. So wo hai. Plus, hum log abhi, we are working with certain converters to convert it. Aage chal ke we'll see as soon as it gains momentum ki hum log ko kya investment karna hai. So development hai, wo is purely from a Swedish company. Jiska execution hai, ya manufacturing, wo Yash Pakka ki hai. Am I right, sir? Nahin, development is also not, I would say development bhi sara maximum in-house hai. Okay. Certain things ke liye we go to our Swedish partners. Like for what? For example, we wanted to enhance the strength further. Jo hum log kar rahe the, usse thoda jyada le jana cha rahe the. To uske liye we did a project with them. But most of our work is in-house and our research team does it. It will be 100% export oriented. You will sell this product in Indian market also? नहीं नहीं देश साफ करना पहला हमारा उद्देश्य है तो हम लोगों की तो आशा ये रहेगी कि पूरा देश में बिक जाए ताकि देश में जितने भी ना सड़ने गलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो and we are able to provide our country with better solutions and ultimately we are in the market so anybody who wants to import we will export. आपके existing plan में any expansion plan sir? थोड़ा बहुत है main expansions जो हैं अभी हमारे molded segment में हैं but in the regular plant also we are trying to expand about 30% capacity. Correct.